स्टूडेंट, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक 3 जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम. इन द सेकेंड पार्ट वी विल लर्न अबाउट ओपनिंग ए प्रोग्राम, क्रिएटिंग ए प्रोग्राम शॉर्टकट, सेटिंग ए रन टाइम, एडजस्टिंग सम. हाउ टू ओपन ए प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को कैसे ओपन करेंगे. हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम इन शॉर्टकट, प्रोग्राम को शॉर्टकट में कैसे क्रिएट करेंगे. सेटिंग डेट एंड टाइम, कंप्यूटर में जो है डेट और टाइम को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे सेट करेंगे. एंड एडजस्टिंग साउंड, जो आपका साउंड है वॉल्यूम है उसको कैसे हम लोग सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग ए प्रोग्राम, हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम. आपसे 2 और 3 नंबर्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को कैसे हम लोग ओपन करेंगे. देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोग्राम को ओपन करने के लिए. सिंपल मेथड्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट अ प्रोग्राम एज वी लाइक, then click on OK button, and double click on left mouse, click OK, are open. इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को ओपन कर सकते. क्लिक स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम ऑप्शंस एंड now select a program as we like. जैसे हम प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम को चाहते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे. एंड देन क्लिक ओके बटन, आप क्विकली प्रेस द डबल क्लिक ऑफ लेफ्ट माउस बटन, देन प्रोग्राम विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. द सेलेक्टेड प्रोग्राम विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. जो सेलेक्टेड प्रोग्राम है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपीयर. तो ये आपका ओपनिंग ए प्रोग्राम. सेकेंड मेथड क्या है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया. सेकेंड मेथड क्या है, क्लिक इन द सर्च बॉक्स इन द स्टार्ट मेनू. जब आप ओपन करते हैं तो स्टार्ट मेनू को जब क्लिक करेंगे आप, यहां पर जो आपको मैंने दिखाया था, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये आप डेस्कटॉप पे, यहां ये जो आपका डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे यहां पर स्टार्ट मेनू जो कि सर्किल के रूप में, कलर के रूप में या लिखा हुआ आपको दिखेगा. जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर एक सर्च बॉक्स आता है, सर्च बॉक्स. इन दिस बॉक्स वे राइट अ प्रोग्राम एज वी लाइक. हम लोग इस बॉक्स में क्या करेंगे कि उस प्रोग्राम को टाइप कर देंगे जिस प्रोग्राम को हम ओपन करना चाहते हैं. एंड आफ्टर टाइपिंग इट क्लिक ऑन ओपन बटन, ओके बटन, योर प्रोग्राम विल अपीयर इफ द प्रोग्राम इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. यदि प्रोग्राम उस कंप्यूटर में प्रेजेंट है, लोड किया गया है, तो वो जो है सर्च करके आपको प्रोग्राम ओपन. नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ प्रोग्राम शॉर्टकट. आप क्रिएट कैसे करेंगे प्रोग्राम, बहुत सारे बच्चे इसमें मिसिंग करते हैं कि सर ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में नहीं है, यहां पर नहीं दिख रहा, ये
जिसका शॉर्टकट मुझे आइकॉन्स नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ टू क्रिएट इट, हाउ कैसे उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। ये तो मैंने सिंपल मेथड्स बता दिया, नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए प्रोग्राम शॉर्टकट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया इन द डेस्कटॉप। ये जो आपका डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो एम्प्टी एरिया मान लीजिए यहां पर ये सारे आइकॉन आपको यहां पर है, ये एम्प्टी एरिया जो दिखाई दे रहा है, इस एम्प्टी एरिया में आप क्या करेंगे कि राइट क्लिक करें, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द एम्प्टी एरिया, एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द इन द एम्प्टी एरिया पॉप मेनू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये पॉप मेनू इस पर अपीयर हो जाएगा एंड देन सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। इस पर आपको जो पॉप मेनू है उस मेनू में एक ऑप्शन होता है न्यू ऑप्शन, आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको नीचे जो है न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, देन सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ माउस बटन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। योर डिफरेंट पॉपअप मेनू न्यू पॉपअप मेनू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर डिफरेंट जो है आपको पॉपअप मेनू अपीयर हो जाएगा एंड देन सेलेक्ट द प्रोग्राम एज वी लाइक। हम उस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको जिसका कि हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, जिसको हम क्रिएट करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। योर सेलेक्टेड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है वो यहां पर शॉर्टकट मेनू के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको, नेक्स्ट है सेटिंग डेट एंड टाइम। सेटिंग डेट एंड टाइम इसके थ्रू दो मेथड्स, फर्स्ट मेथड सेलेक्ट द कंट्रोल ऑप्शन इन द कंप्यूटर और इन माई कंप्यूटर ऑप्शन, माई कंप्यूटर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसमें एक कंट्रोल ऑप्शन, उसमें उस कंट्रोल ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, उसी में एक ऑप्शन होता है डेट एंड टाइम ऑप्शन, डेट एंड टाइम ऑप्शन and then select the date and time option and click the left mouse button, the date and time dialog box will appear on the screen and change the date and time and then click on OK or apply. OK button or apply button को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो आपका डेट एंड टाइम जो है वो चेंज हो जाए। सेकेंड मेथड से है इन द नोटिफिकेशन एरिया, ये जो डेस्कटॉप है इस डेस्कटॉप के राइट हैंड साइड में आपका ये नोटिफिकेशन एरिया है, इस नोटिफिकेशन एरिया पर आप देखेंगे एक छोटा सा सिंबल बना होता है, ये वॉच का सिंबल बना होता है इस या उस पे टाइम और डेट लिखा होता है, इसको हम क्या करेंगे कि लेफ्ट माउस बटन को क्लिक क्लिक नोटिफिकेशन एरिया इन द टास्क बार एंड देन क्लिक चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स एंड इन द पॉपअप विंडोज दैट अपीयर्स इन द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड देन क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शंस एंड आफ्टर चेंजिंग डेट एंड टाइम ऑप्शन देन क्लिक ऑन ओके बटन। योर डेट एंड टाइम विल चेंज इन द कंप्यूटर में जो है वो डेट एंड टाइम जो है वो चेंज। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेसिंग सॉन्ग्स, हाउ टू एड्रेस
आप लोग देखे होंगे इस नोटिफिकेशन एरिया में एक ऑप्शन आपको वॉल्यूम का ऑप्शन ये इस तरह से ये आपको दिखाई देता है। यहां इसको हम लोग वॉल्यूम ऑप्शन बोलते हैं। इस वॉल्यूम ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहां पर ओपन होने के बाद इस तरह से वॉल्यूम का आप माउस के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कर सकते हैं, इसको बढ़ा और घटा सकते हैं वॉल्यूम को और इससे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। या सेकेंड मेथड क्या है, असलाइन से कंट्रोल मेनू, सेलेक्ट द कंट्रोल मेनू और ओपन द कंट्रोल मेनू, देन सेलेक्ट द साउंड ऑप्शन, द साउंड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड एडजस्ट द साउंड्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और माउस। माउस और कीबोर्ड के द्वारा जो है कीबोर्ड के द्वारा हम लोग एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद अप्लाई बटन को अप्लाई कर देंगे, साउंड इस तरह से हम लोग साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम को शॉर्टकट मेनू में क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चंस इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहा है बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको क्वेश्चंस 2 or 3 नंबर में हाउ टू ओपन अ प्रोग्राम इन द कंप्यूटर ऑफ विंडो में प्रोग्राम को कैसे ओपन करेंगे, हाउ टू क्रिएट ए शॉर्टकट, हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम शॉर्टकट, प्रोग्राम को कैसे शॉर्टकट में क्रिएट करेंगे, हाउ टू सेट द डेट एंड टाइम, राइट द हाउ टू सेट द डेट एंड टाइम, आप कैसे सेटिंग करेंगे डेट एंड टाइम एंड एडजस्टिंग साउंड्स, हाउ अबाउट द साउंड्स इन द कंप्यूटर में कैसे आप साउंड्स को एडजस्ट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं 2 or 3 नंबर्स में। सो दिस चैप्टर स्पेंस जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और जितना भी मैंने पढ़ाया है आप लोग एक बार आपके घर में यदि कंप्यूटर है तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली एक बार उसको देखिएगा, उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास कीजिएगा और जहां भी नहीं आपको समझ में आता है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।